नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। मैच नंबर 41 यहां पर भिड़ रही है कोलकाता और दिल्ली की टीमें। डबल का फर्क है, दिल्ली ने जहां 8 मैच जीते हैं, कोलकाता उसका आधा 4 मैच जीता है। गुड न्यूज़ ये है कि दोनों टीमें टॉप फोर में हैं। कोलकाता के लिए थोड़ा सा एज पे खड़ी है, नंबर 4 पे है, तो अगर नहीं जीतेगी तो फिर बाहर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट मैच, डीसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इस मैच के रिजल्ट से, लेकिन वो भी चाहेगा कि एटलीस्ट नंबर 1 नंबर 2 पे वो मजबूत हो जाए, कोई दूर दूर तक उसके करीब ना आए। ये है पिच कंडीशन, आज फिर टॉस जीत के पहले बॉलिंग और फिर रनचेज का प्लान है, जो कि टफ है गेम प्ले। चलिए बस देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं। टेल्स के साथ गए हैं कोलकाता के कप्तान, हम बने हैं कोलकाता राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और बॉलिंग चुन रहे हैं तैयार रनचेज के लिए। यह है दिल्ली की टीम, एक बार फिर रैंडम आई है दोनों टीमें, और यहाँ आते हुए हमारे टाइगर्स कोलकाता टाइगर्स। आगाज आज के मैच का, मन में बस एक ही कोशिश है कि 200 मत देना। लास्ट टाइम हम 200 दिए थे, मैच में क्या हुआ था वो आप वीडियो में देख पाओगे पीछे पुराने वाले लास्ट मैच में। यहाँ पर हाल फिलहाल हमारी बॉलिंग लाइन अप सामना होगा शौर धवन से, बढ़िया बढ़िया ओपनर से सामना कृष्णा के साथ। डिफेंसिव शॉट 15 ओवर के बाद 128 पे रोका है हमने, अच्छा है अभी सिनारियो हमारे लिए। खेल रहे हैं पंत 50 के करीब, साथ मिला है तमायर का, गेंदबाजी में 3 विकेट रसेल नारायण राणा। लास्ट मैच प्रेडिक्शन जो हमने किया था, कोलकाता अपनी बॉलिंग लाइनअप के बदौलत जीता था। कमिंस की गेंद डॉट लॉन्ग ऑन पे खेला शॉट, ग्राउंड शॉट था, एक मिला। पहली गेंद तेज, दूसरी स्लो, तीसरी है मीडियम पेस, सब पे जुड़ा है 1-1-1। लेग साइड पर ही गेंद खेल रहे हैं और सही है, लेग साइड की गेंद को लेग साइड ही खेलो। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप लोग, पहली तेज थी, ओ माय गॉड, हेलीकॉप्टर शॉट, लेग साइड की गेंद, बीट बोल्ड, पंत 49 पे आउट हुए। ये तो भाई मजा आ गया विकेट देख के, मेरा वन ऑफ द बेस्ट विकेट, यानी मतलब दो पैर के बीच में जगह ही कितनी थी जो निकल पाई है गेंद, करीब करीब निकाल दिया, मतलब बस गेंद के ही निकलने की जगह थी, वो गेंद ही निकली है। हम है पॉजिटिव, गेंदबाजी नेगेटिव, और पॉजिटिव बल्लेबाज भी हो गए हैं, चौका लगा दिया है। बहुत देर के बाद समझ आया इनको इस गेंद को कैसे खेलना है, पैरों पे आती हर एक गेंद को सामने खेल रहे थे, अब समझ आया कि जहां आ रही उसी दिशा में दिशा दिखा दो उसको। पेस वेरिएशन कंटिन्यू, लेकिन अब इस पेस वेरिएशन को पढ़ चुके हैं, मेरा वेरिएशन ऐसा है कि तेज स्लो मीडियम पेस। दो बड़े हिट ने पूरा प्लान ही बदल दिया, बचते हुए यहाँ पे हतमाए, बहुत बढ़िया गेंद मावी, काफी हद तक कंट्रोल में रहा है, और क्या गेंद, बीट करा रहे हैं हम लोग साफ साफ। एआई खेलता हुआ, एआई 5 गेंदों में सिर्फ 7 बना पाया, 6 गेंदों में सिर्फ 7 बना पाया, ज्यादा ही शॉर्ट पिच हो गया है। शॉर्ट बढ़िया हमारे लिए, एक नहीं दो निकालेंगे, दो भी नहीं देना मेरे को, अभी मेरे मन में ऐसा है कि इनको दो भी नहीं देना। उम्मीद करते हैं पुल और हुक ना खेलें, और यहाँ पे पॉइंट पे खेल दिया है, कट के रूप में चौका, एक्चुअली कट नहीं, अच्छा खासा बैट स्ट्रोक लिया, पेस थोड़ा और रखना था, पेस थोड़ा और रखना। चलिए हेतमायर को हुआ क्या है, रन क्यों नहीं बना रहे बड़े, हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमें क्या, दिल्ली के रन कम है, किसी एक ओवर पे तो फुल अटैक करेंगे, पर कौन सी ओवर, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक ही बची है। हाँ ये बच जाए मेरे लिए तो बेस्ट होगा, सिंगल ही मार पाए हेतमायर, बहुत धीरे खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमने दुखती नस उनकी पकड़ ली है, हेतमायर की भी और स्टॉइनिस की भी। हेतमायर इन स्विंग नहीं खेल पा रहे, स्टॉइनिस मिडिल की गेंदों को नहीं खेल पा रहे, बातचीत हुई है दोनों ने, अब वक्त है नहीं ज़्यादा, अटैक नहीं किया तो कोई स्विंग रखा नहीं है, सीधा ही गेंद और चालू चालू चालू, लास्ट 9 गेंदें बहुत भारी पड़ने वाली गेंदबाजों के लिए, 8 गेंदें बाकी, अब 4 छक्के, ओ पिचिंग गलत है, पिचिंग गलत है, मैं 4 छक्के एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ तो बीट कर रहे हैं। सिल्वर के बाद सीधा तेज गेंद और कैच 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 कैच, कौन कहता है रियल क्रिकेट 20 में वेरिएशंस काम नहीं करते, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। पिछली गेंद स्लोअर आउटस्विंग थी, इस बार सीधा ही रखा था, पेस बढ़ा दिया था, स्टॉनिस वही उम्मीद से खेले कि स्लो आएगा, जल्दी खेल गए आउट हो गए। नए खिलाड़ी पटेल सरप्राइज करने के लिए तैयार, ओ अच्छा हुआ कि मिड विकेट है एक फील्डर, मिड विकेट पे हमने 2 रखे हैं एक्चुअली, मिड विकेट की लाइन में वही काम किया, 1 रन, मैंने कहा था 4 छक्के देखने को मिलेंगे, और लीजिए लीजिए पहला लग चुका है कि दूसरा, चीट नोटिस करिए, एडवांस ले रहे हैं शॉट, उसका एक रीज़न है, फिर से एडवांस लिया, उसको स्लॉट में लेना चाह रहे हैं इतना है, क्योंकि वो स्लॉट में ही बड़े हिट लग ले सकते हैं, यहाँ पर मिस किया 1 ही रन सिर्फ। चिंता यहाँ पर दिख रही है, पूरे सबके चेहरे गिरे हुए हैं, अजीब सी एक मायूसी, और आखिरी 3 गेंदे लेफ्ट हैंडेड और स्क्वायर गेंद, गुड लेंथ था लेकिन स्लो डालने के कारण थोड़ा उछला। क्या एआई 180 के नीचे रहेगा, 179 भाई एग्जैक्ट था, रहा है 180 के नीचे, लेकिन टारगेट 180 का ही दिया है।
179. ऑन द पेपर देखा जाए तो ये एक ऐसा स्कोर है जहां कोलकाता के पास लीड है, कोलकाता 60% जीतने के चांस के साथ रहेगा। मैच समरी 49, 37, 33, छोटी छोटी पारियां, कोई बड़ा माइलस्टोन हासिल नहीं कर पाए, 50 प्लस कोई पार्टनरशिप पारी देखने को नहीं मिली। गेंदबाजी में भी सेम हाल है, विकेट एक 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 एक, एक सबको रन चेज हो रहा है, हल्के में नहीं लेना है, हम इससे भी कम स्कोर वाले मैचेस हार चुके हैं, तो ये चीज़ मैं अपने मन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ईजी नहीं, ऑन द पेपर ईजी लग रहा है, अभी जब करेंगे तो ही पता लगेगा कितना ईजी है। राणा और गिल आ रहे हैं ओपनर के रूप में, कप्तान के दिमाग को सैल्यूट, और लीजिए काम कर गया। मैं बात कर रहा था स्पिनर्स को देखने की, दही गेंद पे स्पिनर्स को थमाई थी गेंद, बैटिंग पिच नहीं है ये, बैटिंग पिच बिल्कुल भी नहीं है। पटेल ने पहली गेंद पे ही राणा को किया है कैच आउट, शून्य पर एक विकेट कोलकाता, 15 में 128 पे 4, फिर भी ठीक है हालात, वही एक विकेट जो खोया था उसी का रिजल्ट 4 विकेट के साथ भुगतना पड़ा है। रसेल और नारायण खेल रहे हैं, इसके बाद कार्तिक भी हैं जो बड़े हिट कर सकते हैं, निगाहें होंगी इन सभी पे। खान, शर्मा, यादव और पटेल में भी बटे हैं विकेट, 30 में 52, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं, अननेसेसरी का रिस्क नहीं, एक ही ले रहा हूँ मैं, दबाया था दो, दौड़ा ही नहीं मैं पहले से ही डर गया था कि लेट रनिंग थी, इसलिए गेंदे अच्छी लाइन पे डाल रहे हैं, काफी बढ़िया लाइन पे डाल रहे हैं, रन आउट, ओ भाई फिर से रन आउट रसेल, लास्ट मैच में भी रन आउट हुए थे, लास्ट मैच में तो 3-3 प्लेयर इनके रन आउट हुए थे कोलकाता के, बहुत गड़बड़ है रन आउट में। अब ये शॉट ऐसा था कि लगते ही मैं दौड़ा था, मेरी रनिंग कुछ वीक नहीं थी, लेकिन गेंद कुछ जल्दी ही पिकअप करके थ्रो मार दिया शॉ, उतना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं है, ओरे गया, अबे मेरी मतलब जबान, ये क्या हो रहा है, कोलकाता के ऊपर क्या पनौती बैठी है RC20 में, मुझे नहीं मालूम, सारे प्ले इन्हीं के ही रन आउट होते हैं क्या, इतनी दूर से रन आउट हुए कि मतलब दूर से ही देख के कह दे कोई कोई चांस नहीं है इनके बचने का। स्मिथ के हौसले बुलंद, और क्यों ना हो, विकेट गिर रही है, दो लेते हुए, अभी तो दो लेने में भी डर लग रहा है, चलिए फाइनल लेग को टारगेट कर रहे हैं, और चौका, गुड शॉट, वेरी गुड शॉट, काफ़ी रिलैक्स कराया मैं कोई शॉट खेलने के बाद, बढ़िया टाइमिंग, कुछ ज़्यादा ही ईजी फील्डिंग सेटअप आ रहा है, बदल के भी ऐसी फील्डिंग रख रहे हैं ये कि जिसमें ऑफ साइड में 30 यार्ड कोई है ही नहीं, टू की एक्सपेक्टेशन है, पहली बार तो भाई ने लेग साइड पर गेंद दी, सारी गेंद सेम लाइन मिडल ऑफ डाल रहे थे, और एक ही शॉट भी लग रहा था कवर, फाइनली फ्लिक लगा। आप लोग होते क्या लीव करते, मैंने नहीं किया है, मैं तो दो के साथ जाऊंगा। कार्तिक का हैंड स्ट्राइक पे, अगर गैप मिला तो मारने से भी नहीं रुकूंगा मैं, डॉट जाने के चांसेस ज़्यादा, वाइड भी थी, मैं कहाँ खो के बैठा हूँ, वाइड गेंद थी, आधे में नज़र आ गई, अरे ये कौन सी लाइन डाल रहे हैं, अभी मैं कन्फ्यूज़ हो गया एक्चुअली, दो बार भी, अब बताएंगे कार्तिक, एक्चुअली पहले ही मुझे लेना था, पर ग्राउंड शॉट मन में बैठ गया था, तो मैं ग्राउंड शॉट के रूप में ही सोचा था, और यहाँ से खुशियाँ वापस आ गई हैं कोलकाता के पवेलियन में, डग आउट में। आखिरी 12 गेंद, रन रेट अभी भी 10 के ऊपर, और ये लगा 4 फ्लिक के रूप में, ये एक्चुअली बहुत मेहनत के बाद फल मिला है, हमने ग्राउंड शॉट खेल, फाइनली एक ऐसा शॉट खेला जिसमें 2 से ज़्यादा रन आए हैं। गलती थोड़ी दिल्ली की भी है, फील्डिंग सेटअप भी ऐसा नहीं दे रहे कि हम लोग मतलब अटैकिंग खेलने के लिए उत्सुक हो, हमको गेंद भी ऐसी दे रहे हैं कि जहाँ पे आप इजीली दो ले पाओ, और ऐसी कोई फील्डिंग भी नहीं कि अटैकिंग खेलने की इच्छा हो, दो रन फाइन लग खेल नहीं सकते, सामने इन्होंने 2 फील्डर लगाए, ये गेंद डॉट रही, अच्छी गेंद, ऐसे भी शॉर्ट पिच आसान नहीं होती खेलना, ये की मिला है रन, 5 में 8, हमने अग्रेशन खेले ही नहीं है, शॉट टाइमिंग का पता ही नहीं, कमिंस अटैकिंग शॉट के साथ, और कनेक्शन, दो के लिए, मैं 4 की उम्मीद के लिए 7 खेला था, खराब नहीं है, 1 से तो बेहतर ही है, 2 रन की सख्त जरूरत, डॉट तो खेलना ही मत, चौका, ये स्क्वायर कट यादगार स्क्वायर कट है कमिंस के लिए, चौका लगा दिया, गैप था ही कहाँ, वहाँ 2 मैक्सिमम थे, बीट होने के डर के साथ खेला था। जिस लाइन पे ये गेंद कर रहे हैं ना, बहुत चालाकी वाली गेंद है, अगर आप इसको लेग साइड खेलते हो तो कैच आउट हो जाओगे, ऑफ साइड ही खेलोगे, और ऊंची गेंद होने के कारण ऊपर नीचे रहेगी, क्योंकि शॉर्ट पिच डाल रहे हैं, बीट होने के भी चांस थे, लेकिन बढ़िया 4 गैप में, 3 में 2 काफी हद तक फॉर्मेलिटी, रनिंग थोड़ी लेट है, दौड़ाएंगे हम 2, विश्वास है कि फील्डर भी थोड़ी बहुत गलती करेगा, और सफल रही है, 2 गेंदों में 1 रन, बस कट करके दौड़ो, और सॉरी 2 रन ही चाहिए थे, सॉरी, जीत गई यहाँ पे कोलकाता, और 4 विकेट की जीत, तो बहुत सब्र से खेले, जब 6 गेंदें बाकी थोड़ा सा डर लगा था, और ये है मैच समरी, लास्ट तक रहे कमिंस, 15 में 32, वाह 180 पे 6 स्कोर, विकेट फिर बढ़ गए एक, और बधाई कोलकाता को, रनआउट थोड़ा सा संभाल ले अगर हमारी एटलीस्ट गेम प्ले में, तो बहुत से सिनारियों यहाँ पे बदल जाएंगे।
तो ये था वीडियो हमारा, ये था हमारा प्रेडिक्शन। भाई जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर देना और सपोर्ट करना चैनल को अपने तरीके से बेस्ट। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो स्ट्रीम में, अभी के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, गुड डे, सी यू सून।